नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के साथ परमाणु, अंतरिक्ष, रक्षा क्षेत्र समेत द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। इस दौरान भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की तैयारियों को लेकर विशेष तौर पर बातचीत की गई। लावरोव सोमवार की शाम को भारत की करीब 19 घंटे की यात्रा पर दिल्ली पहुंचे थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने रूसी समकक्ष के साथ बातचीत के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बातचीत व्यापक और सार्थक रही। उन्होंने कहा कि हमारी ज्यादातर बातचीत इस साल के आखिर में होने जा रहे भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के बारे में हुई। विदेश मंत्री ने कहा कि हमने परमाणु, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही भागीदारी के बारे में बातचीत की। हमने तेजी से बढ़ते हमारे ऊर्जा सहयोग, क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने कोविड-19 रोधी टीकों के बारे में सहयोग को लेकर भी बातचीत की। I briefed Mr. Lavrov on recent developments in India that open up new opportunities for Russian businesses in various sectors. The Atmanirbhar Bharat economic vision can facilitate a more contemporary economic relationship in the post-COVID era. This review of our bilateral cooperation was really encouraging. We note the appetite for greater investments in each other by both countries. Russian support for our Gaganyaan program has progressed, which we deeply appreciate. Our defense sector requirements in the past year were expeditiously addressed. And in meeting the COVID challenge, our pharmaceutical collaboration has become more serious. And as many of you are aware, we have a vaccine, a Russian vaccine under discussion for production in India. वहीं रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा कि हम आपसी सहयोग को और गहरा बनाने पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। हमने मेड इन इंडिया के तहत भारत में रक्षा क्षेत्र में सहयोग और हथियारों के निर्माण के बारे में चर्चा की। लावरोव ने चीन के साथ रूस की सैन्य डील को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि रूस चीन के साथ ऐसा कोई सौदा नहीं करने जा रहा है। बता दें, हाल के दिनों में रूस और चीन के बीच राजनीतिक विश्वास और सैन्य सहयोग में इजाफा हुआ है। ऐसे में रूस और चीन के बीच सैन्य डील के कयास लगाए जा रहे हैं। We have fixed that in our bilateral relations adopted at the highest level in the course of the Russia-China summit, where we said that our relations are at the highest in the history. But these relations do not pursue a goal of establishing a military alliance. By the way, we've heard speculations about pro-military alliances, not only regarding Russia-China relations. We also heard about such alliances allegedly being promoted as such as Middle East NATO, and we also heard about Asian NATO. Today we exchanged views on this, and our Indian friends have the same position as we. We believe that this is counterproductive. We are interested in inclusive cooperation that is for something, not against somebody. गौरतलब है कि भारत और रूस का वार्षिक शिखर सम्मेलन पिछले वर्ष कोविड-19 महामारी के कारण नहीं हो सका था, लेकिन इस साल अंत में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आने वाले हैं। साथ ही पिछले कुछ सालों में वैश्विक राजनीति और वैश्विक परिस्थितियों में काफी बदलाव आया है, इसलिए रूस और भारत के बीच की ये बातचीत काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।